तो दोस्तों रिसेंटली जो है टाइम मैगजीन ने लिस्ट जारी की है 100 जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं दुनिया के, मोस्ट जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इंडिया के भी 3 लोग हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो एक जो तालिबान के मेन लीडर हैं वो भी हैं इसमें। तो कौन हैं और आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कवर पेज पर किसकी फ़ोटो है। तो इसके कवर पेज पर फोटो है जो कि हैं ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ जिसका नाम है मेघन। तो ये हैं टाइम मैगजीन के कवर फोटो पर। और उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो कौन है इसमें, तो ये हैं आरआर पूनावाला इंडिया के, आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, आरआर पूनावाला सीएम इंस्टीट्यूट जो है, जो ज़्यादातर क्या करता है, जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की वो इसको बनाने के चक्कर में ये क्या आए थे, न्यूज में आए थे, जिसकी वजह से इनका नाम है। और उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे कौन है इस लिस्ट में। तो आगे देखिए ये सब लोग, इन सब की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब ज़्यादातर सिंगर हैं और अमेरिका की मैगजीन है, तो इसमें ज़्यादातर अमेरिकन लोग हैं। फिर हैं ये, आप लोग इनको भी जानते होंगे, बखूबी कमला हैरिस जो कि अमेरिका के उप प्रेसिडेंट हैं, तथा ये जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और ये चाइना के शी जिनपिंग ये प्रेसिडेंट, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। और इसमें एक खास बात ये है कि इस लिस्ट में जो यूके के पीएम हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम उनका नाम नहीं है, तथा ये हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, दो नाम मैं बता चुका हूँ इंडिया के, और ये तीसरे नाम पर हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत करके दुनिया को हैरत में डाल दिया था, इसीलिए इनका नाम जो है इस लिस्ट में आया है। और उसके बाद ये द मोस्ट डेंजरस पर्सन इस समय का, अब्दुल गनी बरादर, तो ये हैं इस समय तालिबान के मेन लीडर भी हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए इनको, मंगल ग्रह के वासी एलन मस्क, इनको तो आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। और उसके साथ साथ ये सब लिस्ट हैं। तो ये हैं टॉप 100 जो भी मोस्ट पावरफुल लोग हैं दुनिया के, वो इस मैगजीन में हैं। और आप भी बताएं कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा, तथा किन के और भी नाम होने चाहिए थे ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, नमस्कार, जय हिंद।